बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया पार्ट, मैकेनिकल पार्ट लेके आया हूँ। इस मैकेनिकल पार्ट में मजीद कुछ अच्छे अच्छे टूल के बारे में भी आपको गाइड करता चलूंगा और आज हम इसके ऊपर वर्क भी करेंगे। ठीक है गाइस, पिछली वीडियो में भी हमने एक टेक्सटाइल मिल का एक पार्ट बनाया था, मशीनरी का पार्ट था, ये भी उसी मिल के रिलेटेड एक पार्ट है। तो आज के आपके सामने ये भी मैं डिजाइन करूंगा गूगल स्केचअप प्रो में। बहुत इजीली काम करने वाला सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे आसानी से इंसान इधर काम कर सकता है। सबसे पहले गाइज, हम इसमें आप हर किसी के काम करने का तरीकेकार मुख्तलिफ है, आप कोई भी किसी तरीके से भी काम कर सकते हैं, जिधर से आपको इजी लगता है वो उस पार्ट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आज इस वीडियो में मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने सर्कल की कमांड लेनी है। सर्कल की कमांड सौ मिलीमीटर का आपने ये डायल ले लेना है। डायल लेने के बाद आप इसका सेंटर मार्क कर लेना है। क्या ऑफसेट ले लेना है 20 mm का। ऑफसेट लेने के बाद, सेंटर मार्क करने के बाद आपने सिंपल इसको ड्रा कर लेना है। मेरिंग टूल लेना है। मेरिंग टूल के बाद 10 mm की लाइनें लगा देंगे। अभी इनको ड्रॉ कर लेना है पेंसिल टूल के साथ। ऑन द स्पॉट पॉइंट लेते हुए एक पॉइंट क्रॉस है। बेस को सर्कल टूल के साथ आपने पॉइंट को पकड़ते हैं। फिर दोबारा मिड पॉइंट लेने हैं, कॉपी करना।
बाकी एक्स्ट्रा लाइन है वो खत्म कर देना है। हमारी शेप तकरीबन ये ड्रा हो चुकी है, रेस्ट कर देना है। क्वेश्चन कोड कोड के साथ कर लें टीएमएम अप करने के बाद टीएमएम ऑन निकाल लें। 15mm मज़ीद बढ़ा लें, 15mm मज़ीद बढ़ा लें। एटीएम बनाने के बाद आपने इनको नेक्स्ट देना है। 30mm तकरीबन शेप हमारी तैयार हो रही है। इसके बाद आपने इसके ऊपर आर्ट टूल
ये ले गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा नया प्रोजेक्ट जो था मैकेनिकल ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। एक्सप्लोर कर